हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्ले ऑफ कलर। आफ्टर कलर, कलर इससे पहले हमने देखा था जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका, मिनरल का। तो आफ्टर कलर हम आज क्या देखेंगे, प्ले ऑफ कलर। दिस इज ऑल्सो ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है कोई भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ सर्टेन मिनरल इसके प्ले ऑफ कलर की वजह से ही जाने जाते हैं। तो ये प्ले ऑफ कलर है क्या, टर्म में ही प्ले है, मीन्स क्या। कलर तो आप सभी को समझता है क्योंकि इससे पहले भी हमने कलर के बारे में देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने कलर के बारे में अच्छे से हर एक चीज़ डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर मेन जो एक टर्म आ रहा है प्ले, मतलब कलर के साथ यहाँ क्या खिलवाड़ होगा क्या, ऐसा नहीं है, ठीक है। मीन्स यहाँ पर होगा क्या, जब भी आप कोई भी एक मिनरल को देखते हो डिफरेंट डिफरेंट एंगल से या फिर उसको रोटेट करके डिफरेंट व्यू से देख रहे हो तो वो कलर बदल देगा। लाइक अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, ठीक है, ह्यूमन है। कुछ ह्यूमन क्या रहते हैं, वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका मतलब एटीट्यूड वगैरह, मतलब उसका बिहेवियर वगैरह चेंज कर देते हैं, ठीक है। मींस कुछ आप, मतलब आपके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे, बट जब भी वो पीक पे जाने लगेंगे या फिर उनके पास कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा सोर्सेस वगैरह आने लगेंगे या फिर उनको कुछ काबिलियत हासिल हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपना कलर चेंज कर देंगे। ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, आप सब ये चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे। तो इस पर हम नहीं जाते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक हमारा क्या है, प्ले ऑफ कलर। तो लाइक दैट, ये जिसे मतलब ह्यूमन क्या करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं टाइम के साथ या फिर जब भी मतलब उनको कुछ अचीव हो जाता है या फिर जब भी वो कुछ पीक पे जाते हैं तो उनका मतलब एटीट्यूड वगैरह, बातचीत करने का तरीका एज कम्पेयर टू प्रीवियस वो चेंज हो जाता है। लाइक दैट मिनरल में भी क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा। बट यहाँ पर जैसे हम ह्यूमन के अंदर एटीट्यूड देख रहे थे, यहाँ पर कुछ अलग फेनोमेना रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, स्कैटरिंग। ड्यू टू स्कैटरिंग फेनोमेनन, एक्चुअली मिनरल में कॉन्स्टेंट कलर दिखना चाहिए, बट ड्यू टू स्कैटरिंग वहाँ पर कलर का वेरिएशन दिखेगा। मीन्स इसको अगर आप डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं इसको 3D में थोड़ा सा बनाता हूँ, अगर आप इसको रोटेट करते हो, ठीक है, रोटेट करते हो डिफरेंट डिफरेंट व्यू से अगर आप देखिएगा तो इसका कलर कहीं ना कहीं आपको चेंजेस होते हुए देखने को मिलेगा। तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर प्ले ऑफ कलर। तो चलिए फिर देखते हैं, सम मिनरल्स व्हेन व्यूड इन डिफरेंट डिरेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन में आप जब देखिएगा सो इरेगुलर चेंजेस इन कलर। और ये जो चेंज कलर में चेंज आएगा ना, यहाँ पर कुछ सर्टन मतलब एक रेगुलरिटी नहीं दिखाएगा, ठीक है, रेंडमली वो कलर चेंज करेगा, ठीक है, कलर का जो टिंट रहेगा वो चेंज होगा। तो इसी को हम बोलते हैं प्ले ऑफ कलर, दिस इज कॉल्ड प्ले ऑफ कलर, ठीक है। कलर में, कलर के साथ यहाँ पर क्या होगा, खिलवाड़ होगा, मीन्स वो अपना प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है, ठीक है। When white light is separated into individual wavelengths of varying intensities emitted in different direction, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, जब भी white light क्या हो रहा है, separated into individual wavelengths, जब भी white light मतलब white light है individual wavelength के अंदर सेपरेट हो रहा है। अब white light क्या है, इसके अंदर individual जो भी wavelengths है क्या है, हर एक चीज़ हमने previous video में देखा था। तो क्या करते हैं, डिफरेंट डिरेक्शन में वो अपना प्रॉपर्टी को या फिर इंटेंसिटी ऑफ एमिशन को चेंज करते हैं। दैट्स वाई यू गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट कलर फ्रॉम डिफरेंट डिरेक्शन एंड दैट इज नोन एज योर प्ले ऑफ कलर। और ये बन क्यों रहा है, ड्यू टू स्कैटरिंग, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट स्कैटरिंग। देखिए, स्कैटरिंग ड्यू टू वेरी फाइन पार्टिकल्स इन द मिनरल्स, ठीक है, और टेक्स्चर ऑफ मिनरल सर्फेस। तो ये जो स्कैटरिंग आपको दिख रहा है ना, हमने तो ये समझ लिया कि मिनरल में प्ले ऑफ कलर मिल रहा है, मीन्स मिनरल के अंदर आपको जब भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हो कोई भी मिनरल को तो वो कलर अपना बदलेगा ही बदलेगा, ठीक है। बट ये बदलने के पीछे का रीज़न क्या है, स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग फेनोमेनन तो हो रहा है, हमने समझ लिया, बट स्कैटरिंग हो क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ड्यू टू वेरी फाइन पार्टिकल इन द मिनरल। मिनरल में कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स रहते हैं मिनरल के अंदर, जिसकी वजह से भी आपको कलर में चेंजेस देखने को मिलता है, और यू कैन से जिसकी वजह से आपको स्कैटरिंग फेनोमेनन देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस स्कैटरिंग फेनोमेनन यू गेट प्ले ऑफ कलर। और क्या रहते हैं, कुछ टेक्सचर भी इस तरह कुछ मिनरल के रहते हैं तो जिसकी वजह से भी आपको स्कैटरिंग देखने को मिलता है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्ले ऑफ कलर देखने को मिलता है। तो आई होप प्ले ऑफ कलर क्या है आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा। तो चलिए फिर टाइप्स ऑफ प्ले ऑफ कलर देखते हैं, मीन्स प्ले ऑफ जो कलर हम बोले ना, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। तो टाइप को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला टाइप है ओपलेसेंस। ओपलेसेंस क्या है, दिस टर्म अप्लाई टू द मिनरल व्हिच शो मिल्की अपीयरेंस, मतलब कोई भी एक ऐसा मिनरल हो जो कि उसका अपीयरेंस मिल्की दिखा रहा है, तो इन दैट कंडीशन यू कैन से दिस इज योर ओपालोसेंस। और जो भी मिनरल इस तरीके का मिल्की अपीयरेंस दिखाएगा वो ओपालोसेंस कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, ओपाल। बेस्ट एग्जांपल इज ओपाल, हाइड्रेटेड अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका, जो कि हाइड्रेटेड अमॉर्फस फॉर्म ऑफ सिलिका है
जो कि मिल्की अपीरेंस दिखाता है, और इसके अंदर आप जब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो ना, बहुत ज़्यादा सुंदर कलर इसके अंदर दिखेगा। ये ह्यूमन के जैसे आपके साथ मतलब बदतमीजी धोखाधड़ी नहीं करेगा, ठीक है। ह्यूमन जब अपना कलर बदलता है तो अगले इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। बट इन केस ऑफ, अब ये मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब एक रिलेटिव आप कंपैरिजन कर सकते हो, या फिर आपको एक मतलब समझ में आए, इसीलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। रियलिटी में इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेन फोकस हमारा ओपाल सेंस है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ओपाल का, तो ये जब कलर चेंज करता है ना, अगर आप उसको देखते हो, बहुत सुंदर आपको दिखेगा, बहुत अच्छा मतलब विजिबल होता है, ठीक है। कभी आप नेट पे भी शॉर्ट वीडियो वगैरह इसका देख सकते हैं सर्च करके। देन यू हैव मून स्टोन। मून स्टोन क्या है? अ वेराइटी ऑफ के फेल्सपार। के फेल्सपार का एक वेराइटी है जो भी अपना, जो कि अपना कलर बदलता है डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर आप उसको देखते हो, और ये भी आता है इन द कैटेगरी ऑफ ओपालोसेंस। ओपालोसेंस के अंदर आ रहा है, मीन्स ये मिल्की अपेरेंस आपको दिखाएगा। मतलब ओवरऑल अगर इसका आप कलर देखें तो ये मिल्की कलर ही आपको दिखाएगा, बट इसके अंदर जो फाइन पार्टिकल्स रहता है या फिर टेक्सचर ही कुछ इस तरह इसके अंदर डेवलप होता है। जब इसको डिफरेंट डिफरेंट डिरेक्शन से इसको रोटेट करके देखते हो, तो ये पार्टिकल्स अपना कलर बदलेंगे, और ये फाइन पार्टिकल या फिर उसका टेक्सचर का अरेंजमेंट इसी तरह से हुआ रहता है कि वो अपना कलर बदलेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर लैब्राडोरोसेंस, और इसी को ही सिलर बोल सकते हैं। तो लैब्राडोरोसेंस क्या है, चलिए फिर देखते हैं। ये मतलब यहाँ पर भी सेम ही है, जैसे हम प्ले ऑफ कलर बोले ना, कलर का चेंजेस आ रहा है, बट कलर का चेंजेस तो हमने समझ लिया। इसको जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, मतलब उसका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, लाइक हमने ओपालेसेंस बोला, तो इसका मिल्की अपीयरेंस के लिए इसको हम ओपालेसेंस टर्म दे रहे हैं। इसी तरह लैब्राडोरोसेंस है या फिर सीलर, तो इसका फिर प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम अलग से नेम दे रहे हैं, तो चलिए वो देखते हैं। इरिडेसेंट ऑप्टिकल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या है, लैब्राडोरोसेंस, या फिर आप इसको सीलर भी बोल सकते हैं। इरिडेसेंस, ठीक। इसका मतलब ऑयली सरफेस अगर आप कहीं देखते हो, मतलब ऑयल कहीं पर आप डाल दीजिए कोई भी सरफेस पे, और उसका जो ऑयल का जो टॉप सरफेस रहता है ना, उसको देखिएगा किस तरह आपको कलर दिखेगा, ठीक है। तो उसी को ही हम बोल रहे हैं इरिडेसेंस, ठीक है। और यू कैन से इरिडेसेंट ऑप्टिकल इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कॉज बाई डिफ्रैक्शन फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सब सरफेस एग्जोल्यूशन लामेला, ठीक है। तो ये कौन दिखाता है, लैब्राडोराइट आपको दिखाएगा। ये एग्जाम्पल आपको मेन याद रखना है, क्योंकि आप जब भी एग्जाम्स वगैरह में जाते हो तो वो ऐसा कंसिडर करते हैं, ये चीज़ आपको पता है। मेन उस फोकस उनका रहता है एग्जाम्पल पे, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ एग्जाम्पल मिलता है तो आप कलर करके अपने ओन नोट में ऐड कर सकते हैं। लाइक दैट, इससे पहले हमने देखा था ओपालेसेंस। तो ओपालेसेंस क्या आप सभी को मतलब पता है, ऐसा जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, फिर जो भी आपका एग्जाम लेगा उसको पता है। तो मेन वो फोकस कहाँ पर करने वाला है कि मूनस्टोन कौन सा प्रॉपर्टी दिखा रहा है। अगर आपको एग्जाम्पल याद है तो यू कैन ईजिली से मूनस्टोन आपको ओपालेसेंस दिखा रहा है, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि मूनस्टोन क्या है, के फेल्सपार का एक वेराइटी है। तो ये सब चीज़ आपको फोकस करना है हर एक चीज़ पे। और लैब्राडोरोसेंस इज नथिंग बट दिस इज योर इरिडेसेंट, ठीक है। इरिडेसेंट है जो कि एक डिफ्रैक्शन दिखाता है माइक्रोस्कोपिक लेवल में, और सब सरफेस एग्जोल्यूशन लामेला है। एग्जोल्यूशन लामेला मीन्स सब सरफेस, मीन्स सब सरफेस पे एक एग्जोल्यूशन लामेला टाइप का वो अपीयरेंस दिखाता है, इसी को ही हम बोलते हैं लैब्राडोराइट। और इस प्रॉपर्टी को ही हम बोलते हैं लैब्राडोरोसेंस। मीन्स एक अगर मिनरल है, यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको मतलब लाइंस वगैरह देखने को मिलेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कट करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम बोलते हैं लैब्राडोराइट, और इसी को ही आप बोल रहे हो सब सरफेस एग्जोल्यूशन लामेला। लामेला मीन्स कुछ इस तरह लाइंस वगैरह रहेंगे, एक दूसरे को वो कट करते रहेंगे, तो इसको ही हम बोलते हैं लैब्राडोरोसेंस। तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्ले ऑफ कलर का। नेक्स्ट इज योर चाटोयंसी, ठीक है। चाटोयंसी क्या है, चैटेंड मिनरल्स शो ए ब्राइट बैंड ऑफ लाइट, ठीक है। दिस इज नॉट आर, दिस इज एन, ओके। चैटेंड मिनरल्स शो ए ब्राइट बैंड ऑफ लाइट यूजुअली परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग डिरेक्शन ऑफ द क्रिस्टल। मीन्स सपोज कोई भी आपके पास एक क्रिस्टल है, अगर मैं यहाँ पर एक क्रिस्टल बनाता हूँ, ये क्रिस्टल है सपोज, ठीक है, ये क्रिस्टल है, तो इसका लॉन्ग डिरेक्शन कौन सा है, ये लॉन्ग डिरेक्शन है। बट यहाँ पर क्या होगा, चैटर्ड मिनरल शो अ ब्राइट बैंड, एक ब्राइट बैंड आपको दिखेगा ऑफ लाइट, लाइट का एक ब्राइट बैंड दिखेगा, बट यूजुअली परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग डिरेक्शन ऑफ अ क्रिस्टल। मीन्स ये क्रिस्टल का जो लॉन्ग डिरेक्शन है, इसको परपेंडिकुलरली आपको एक बैंड यहाँ पर देखने को मिलता है, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज योर चैटर्नसी, जो कि कमिंग अंडर योर प्ले ऑफ कलर। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, कैट्स आई, ठीक है, जो कि क्राइशो बेरिल के अंदर दिखता है। क्राइशो बेरिल इस तरीके का प्रॉपर्टी दिखाता है, और ये क्राइशो बेरिल कुछ इस तरह अपीयर होता है कि जैसे कैट्स का आई आप अगर देखते हो नाइट के टाइम पे, तो उसी तरह दिखता है। तो दैट्स वाई इसको कैट्स आई भी बोला जाता है। और ये इसका जो ये मेन एग्जाम्पल है ना क्राइशो बेरिल, ये आपको याद रखना है। और दिस इज कमिंग अंडर योर चाटोयंसी, एंड चाटोयंसी इज अ टाइप ऑफ प्ले ऑफ कलर।
देन यू हैव क्रोशिडो लाइट। क्रोशिडो लाइट एक मिनरल है जो कि जो भी इस तरीके का फेनोमेनन दिखाता है, बट इसका जो अपीयरेंस रहता है लाइक ए टाइगर्स आए, इसीलिए इसको नेमिंग दिया जा रहा है टाइगर्स का आए। ठीक है, सैटिन स्पार जो कि एक वेराइटी किसका है, जिप्सम का, वो भी चाटियांसी दिखाता है। और ये चाटियांसी दिख रहा है, इसका पीछे का रीज़न क्या है? कॉज्ड बाई क्लोजली पैक्ड पैरेलल फाइबर्स। ठीक है, क्लोजली पैक्ड पैरेलल फाइबर्स और इंक्लूजन्स ऑफ अदर मिनरल्स। तो अगर क्रिस्टल के अंदर कुछ इंक्लूजन आ जाए या फिर इम्प्योरिटी आ जाए, जैसे कि हमने कलर के अंदर भी देखा था आलोक्रोमाटिक के अंदर, ठीक है, कि कुछ इम्प्योरिटी आ रहे थे, तो लाइक दैट ये किसके लिए, किसके वजह से आपको देखने को मिलता है चाटियांसी? क्लोजली पैक्ड पैरेलल फाइबर्स, क्लोजली पैक्ड पैरेलल फाइबर्स की वजह से भी आपको इस तरीके का फेनोमेनन देखने को मिलता है इन मिनरल। और इसके अलावा और किस लिए आपको चाटियांसी देखने को मिलेगा? इंक्लूजन्स ऑफ अदर मिनरल। अदर मिनरल का अगर इंक्लूजन भी आ जाए, इम्प्योरिटी आ जाए, तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो यू कैन गेट चाटियांसी। ठीक है, एंड चाटियांसी इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ प्ले ऑफ कलर। द नेक्स्ट इज योर एस्टरिज्म टर्म में ही एस्टरिज्म, तो एस्टर का मतलब आप सभी को पता है स्टार लाइक। तो यहाँ पर ऑब्वियसली स्टार लाइक बैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। स्कैटर लाइट अपीयर लाइक स्टार, जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे लाइट तो स्कैटर हो रहा था बट एक बैंड में दिख रहा था, बट इन दिस कंडीशन ये क्या होगा, स्टार लाइक अपीयरेंस दिखाएगा इन ए मिनरल। सपोज एक ये मिनरल है तो इसके अंदर जो लाइक स्कैटर होगा ना, दिस इज लाइक अ स्टार, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एस्टरिज्म। स्कैटर्ड इन मल्टीरिएक्शन, ऑब्वियसली अगर स्टार है तो ऑब्वियसली मल्टीरिएक्शन में वो स्कैटर हो रहा है, इसलिए तो स्टार का अपीयरेंस दे रहा है ना। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें रूबीज सफेयर गार्नेट, तो हमेशा से ही आपको रूबीज सफेयर गार्नेट आपको मिल गया तो आप वहाँ पर खोजने लगो, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी ही देखने को मिलता है स्पेशल केस में, अगर उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी वगैरह आ जाए, ठीक है, या फिर इससे पहले हमने देखा क्लोजली पैक्ड पैरेलल फाइबर्स वगैरह रहे, तो इन दैट कंडीशन यू कैन गेट एस्टरिज्म इन रूबी सफेयर एंड गार्नेट। बट दिस इज नॉट ऑलवेज द एग्जाम्पल फॉर एस्टरिज्म, हर वक्त आपको इसके अंदर एस्टरिज्म देखने को मिलेगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, समटाइम्स यू गेट। ओके, देन लास्ट वन इज योर इरिडेसेंस। अब इरिडेसेंस क्या है, इससे पहले भी हम ये टर्म को देखा था। इरिडेसेंस मीन्स ऑयली सर्फेस के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, ये भी एक प्ले ऑफ कलर है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर आप मिनरल को रोटेट करके देखते हो तो कलर वो चेंज करेगा, कलर बदलेगा, ठीक है। समटाइम्स सीन इन ऑयली सर्फेस, मतलब ऑयली सरफेस में, जिस तरह अगर आप कभी ऑयली सरफेस देखे होंगे या फिर बबल्स वगैरह सॉप का, मतलब जो बबल सॉप मीन्स आप बचपन में ऑब्वियसली खेले होंगे या फिर अभी भी खेलते ही होंगे, कि यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन रहता है जो कि सॉप के टाइप में, इसके अंदर से आप ये सॉल्यूशन को लेते हो आप, मतलब एक स्टिक टाइप का रहता है, इसमें अगर आप फूक मारते हो या फिर हवा ब्लो करते हो तो यहाँ से एक बबल दिखता है। बबल का कलर किस तरह दिखता है, ऑब्वियसली कहीं पर रेडिश, कहीं पर थोड़ा ग्रीनिश पिंकिश, इस टाइप का कलर दिखता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं क्या, इरिडेसेंस सीन इन ऑयली सरफेस। ऑयली सरफेस में जिस तरह आपको कलर दिखेगा उसको ही हम बोलते हैं इरिडेसेंस। तो इसका अगर एग्जांपल देखें, बेस्ट एग्जांपल इज बोरनाइट। अब बोरनाइट में ऐसा क्यों दिखता है, बोरनाइट में क्या ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी है, ड्यू टू टार्निश। अब टार्निश का मतलब क्या है, मीन्स हमने तो ये समझ लिया इरिडेंस क्या है, ऑयली सरफेस में जिस तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखता है उस तरीके का कलर आपको दिखेगा इन मिनरल। और वो मिनरल का एग्जांपल भी हमने देख लिया बोरनाइट। तो बोरनाइट में ऐसा क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, तो इसमें एक चीज़ है जो कि टार्निश के, उसका टार्निश के प्रॉपर्टी की वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिलता है। टार्निश क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑन सरफेस। मीन्स अगर ये बोरनाइट मिनरल है तो इसका सरफेस में केमिकल रिएक्शन होता है, ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन यू कैन गेट दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्ले ऑफ कलर, ठीक, इरिडेसेंस। और आफ्टर बोरनाइट और भी कुछ मिनरल लाइक क्वार्ज, कैल्साइट, माइका, ये भी समटाइम्स, ऐसा नहीं कि हमेशा से आपको क्वार्ज मिल गया तो आप उसमें इरिडेसेंस खोजने लगो, नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। समटाइम्स आपको कभी कभी देखने को मिलता है उसको, वो कंडीशन है कब, माइनूट फ्रैक्चर अगर उसके अंदर डेवलप रहे, नेचर में कुछ ऐसा ही उसका बनावट हो, तो जिसकी वजह से ये कभी कभी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ एग्जांपल ऑफ इरिडेसेंस, और यही था ऑल अबाउट योर प्ले ऑफ कलर। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर प्ले ऑफ कलर आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।